हवन पूजा की, उसके बाद बावरिया मंदिर में भी गया, वहां भी भंडारा था, उसके बाद यहाँ गौशाला गन्नौर में भी आज बहुत बड़ा आयोजन है और चौथा प्रोग्राम आपका यहाँ मैं आया। आज के दिन बहुत सारे इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम चल रहे, आप जितनी व्यवस्थित ढंग से बैठे रहेंगे, आराम के साथ बैठे रहेंगे, आपको जिस काम के लिए शेखरचंद जैन जी की संस्था ने बुलाया है, आप निश्चिंत होकर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद ले। और कितने बढ़िया हमारे भजन गायक यहाँ आपके बीच में, जो देशभक्ति के भी और हमारे धार्मिक भी दोनों प्रकार के भजन गाने का कार्य करते हैं, आपको इसका भी आनंद मिलेगा। और आज का जो दिन है आपको यादगार दिन के रूप में आपको याद रहेगा, आपको भोजन की भी यहाँ व्यवस्था है, आप समय का दान देंगे तो सब प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ मिलने वाली है। आज मैं अपनी तरफ से राय विधानसभा से पहली बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही एक कहना है कि जो आप सब लोग बैठे हैं यही हमारा भगवान है, और आपकी जितनी पूजा की जाए उतनी कम है, आप लोगों की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भी और हरियाणा सरकार के द्वारा भी बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार की सरकारें इस देश में बनी है जो अपनी जनता को भगवान का रूप में मानती है, और इस प्रकार के उसी पार्टी के कार्यकर्ता के नेता राय विधानसभा से मेरे को भी जनता ने सेवा करने का मौका दिया है और जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ गन्नौर विधानसभा से भी बहन निर्मल चौधरी जी को जो आपने आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं पूरी जनता का तहे दिल से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का जो राजनीतिक वातावरण है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, टीवी के माध्यम से अखबार के माध्यम से आप सब जानकारियां रखते हैं। अपने देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बोलते हैं कि देश की जनता को अभी जगाने की जरूरत है, बहुत से भाई जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, आपने उन सबको समझना है, आपने देखना है कि आपकी भलाई के काम कौन कर रहा है, आपने उसी पार्टी के साथ उसी नेता के साथ उसी प्रकार की धार्मिक संस्था जैसे शेखरचंद जैन जी की संस्था आपके बीच में काम कर रही है, आप इन लोगों के साथ जुड़े रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई कभी अपने जीवन में नहीं आएगी, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चिंत होगा, आप इससे बेफिक्र रहिए, आप अपने काम में लगे रहेंगे और हम जो आपकी सेवा के लिए निकले हैं हम भी आपकी सेवा करते रहेंगे, इसी बात का आपको आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय, जनता जय भारत। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर एडमिट होते हैं उन मरीजों के लिए भारत विकास परिषद निशुल्क, कोई पैसा नहीं है, हमारी गोविंद रसोई उस भगवान के नाम से चलती है, गोविंद के नाम से चलती है गोविंद रसोई, ऐसी ही रसोई हमारी सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में चलती है जहां लगभग 250 पेशेंट रोज ओपीडी है। प्रणय जी वहां पर मैं बताता हूं, वहां पर तीनों टाइम खाना मिलता है, जो एक्सीडेंटल कोई भी आ जाता है उस मतलब हर एक तरह का सुबले दूध है, जो जच्चा होती है उसके जो भी डॉक्टर सजेशन करता है भाई जच्चा को क्या देना है, दूध देना है, जो भी देना है उसकी व्यवस्था भारत विकास परिषद करती है। और भारत विकास परिषद की एक एम्बुलेंस हमने गन्नौर में चलाई है, सैनिक भाइयों के लिए वो एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो हमारी वहां पर रक्षा करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है, उनके परिवार को अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो भारत विकास परिषद उनके परिवार के लिए, आर्मी में हो चाहे पुलिस में हो कहीं भी हो, उसके लिए हमारी एम्बुलेंस निशुल्क है। और जो ये बाजार में एम्बुलेंस हद से ज्यादा रेट लेती है, हमारी एम्बुलेंस सिर्फ एम्बुलेंस का खर्चा निकल जाए उस जमाने हमने समाज के लिए लगभग 5 सालों से वो एम्बुलेंस चलाई हुई है, उसके ऊपर लिखा है भारत विकास परिषद। ये सब सहयोग की भावना से करते हैं, ताली हो जाएंगे बार जोरदार और जोर। और जैसा मैंने बताया गोविंद रसोई ऐसी ही जो जैन साहब की संस्था है, इस संस्था का भी लगभग 50 से 100 आदमियों का खाना यहाँ पर रोज बनता है, ताकि कोई भूखे पेट जाग तो जाए लेकिन भूखे पेट सो ना पाए। यही शेखरचंद जैन जी की
कोशिश रहती है, जैन समाज की कोशिश रहती है। दानवीर सज्जन बहुत है जो संस्थाओं को दान देते हैं, क्योंकि सामाजिक संस्था चाहे गौशाला हुई चाहे और सामाजिक संस्था हुई, मेरे सामने लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं, भगवत दयाल जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, सतीश जैन जी बैठे हैं, आप सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र धीमान जी बैठे हैं, नंद चावड़ा जी बैठे हैं, सभी जानते हैं कि सामाजिक संस्था सहयोग से ही चलती है। तो आप जिस भी दानी सज्जन का दान करने का मन करे, वो इन संस्थाओं में गौशाला है, भारतीय विकास परिषद है। हम तो क्या है कि हमने तो एक दिन का 2100 रुपए किया हुआ है। हम तो क्या है कि जैसे श्राद्ध आते हैं, कोई अपने पिताजी के नाम से 2100 रुपए वहां दिया जाता है, क्योंकि श्राद्धों पे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन वहां तो पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही हमने वहां सोनीपत में किया हुआ है, और पक्षी आश्रम में भी ऐसे ही है, सारे मतलब ऐसा है। और वहां तो नंबर ही नहीं आता सोनीपत में, तो हमने वहां पर रैन बसेरा भी चलाया हुआ है सोनीपत में, जो शनि मंदिर है वहां रैन बसेरा है, और जो घायल पक्षी हो जाते हैं उनके लिए पक्षी अस्पताल भी भारतीय विकास परिषद ने खोला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोटा के अंदर हमारा 350 बेडों का हॉस्पिटल है। अगर किसी बहन का, भाई का, किसी का हाथ या पैर किसी दुर्घटना में, दुर्घटना के कारण कट जाता है, उसको आर्टिफिशियल लिंग लगाकर भारत विकास परिषद उसको सक्षम बनाती है कि वो अपना काम स्वयं कर सके। ऐसा ही हमारी एक लैब चलती है चंडीगढ़ इंदिरा हॉलीडे में, वहां के टेस्ट पूरे देश में मान्य है। और हमारी जो कमेटी है रैन बसेरा गन्नौर में भी करने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले साल 11 करोड़ की लागत से भारत विकास परिषद ने गुरुग्राम में विवेकानंद आरोग्य केंद्र, स्वामी विवेकानंद के नाम से विवेकानंद आरोग्य केंद्र हमने खोला है, उसमें 60 डायलिसिस, प्रधान जी राठी साहब मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि 60 डायलिसिस एक समय में हो सके 970 रुपए में। 60 पेशेंट अगर डायलिसिस के, जो साथ साथ 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए दे के आते हैं गरीब आदमी, भारत विकास परिषद सिर्फ उसका वो चार्ज लेता है, जो उसके उसको ब्लड को प्यूरी करता है ना, उसमें जो लगभग 900 रुपए 950 रुपए के आसपास खर्चा आता है, वही हम उसका चार्ज करते हैं। आप किसी का भाई बंधु, किसी के फेफड़े खराब हो जाते हैं या किडनी खराब होते हैं, उसको डायलिसिस कराना चाहता है, गुड़गांव के आसपास है, तो वो मेरे से भी संपर्क कर सकता है, जैन साहब से आगे मेरा नंबर पूछ सकता है, भगवत दयाल जी बैठे हैं, सतीश जैन जी बैठे हैं, सुरेंद्र धीमान जी बैठे हैं, चैन सिंह चंचल जी बैठे हैं, मेरा गांव गढ़ी केसरी है, मेरे चाचा भगवत दयाल बैठे हैं, कोसी बस सर्विस जिनका है, और हमारे बीच में अभी कुछ ही मिनटों में बहन जी पहुंचने वाली है। तो ये भारतीय विकास परिषद काम करता है, ऐसी ही सामाजिक अनेक संस्थाओं की टीम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं, एक बार तालियों के साथ जरा इनका। बहन जी से हमने आज से 10 दिन पहले आग्रह किया था कि आपको इस कार्यक्रम में शिरकत करनी है, लेकिन बहन जी की बहुत जरूरी मीटिंग थी, उसके बाद भी ये मीटिंग में से समय निकाल के कि मेरे हल्के का प्रोग्राम है और आज का बड़ा शुभ दिन है, इस नव वर्ष का पहला दिन है और इस पहले दिन की शुरुआत एक शुभ कार्य से करनी चाहिए, इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। उसके बाद हम माननीय सांसद जी के पास गए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं तो 1 तारीख को प्रभु चरणों में हूँ, भगवान के दरबार में शिरडी हूँ, लेकिन भाई देवेंद्र जी की मैं ड्यूटी लगा के जाऊँगा, वो जरूर आएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एक बार तालियां बजा के जो टीम इन्होंने ये शुभ कार्य और इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए जोरदार, इस टीम के शेखर चंद जैन के लिए होते हैं। बहन जी ने तुरंत अधिकारियों को फोन करके कहा कि मेरे को जल्दी से जल्दी इसका बजट चाहिए। उसी दिन से इस रोड की रिकार्पेटिंग हो गई, अब वहां खड्डे जो थे भर दिए गए। उसके बाद इन्होंने इस रोड को मार्केट कमेटी से पीडब्ल्यूडी में शिफ्ट कराया और इसका टेंडर हो चुका है। जैसे ही ये जो गैस की पाइपलाइन वाला कार्य हो जाएगा, आपको गन्नौर के लोगों को आने जाने के लिए एक बहुत सुगम रास्ता और एक बहुत सुंदर वो मिलेगा। मैं बहन जी का भी आभार व्यक्त करूं। मंच में बहन और भाई की जोड़ी, बहन निर्मल जी की और देवेंद्र कौशिक जी की जोड़ी बैठी है। बहुत ही आदरणीय मेहनती कर्मठ इस हल्के की विधायिका श्रीमती निर्मल चौधरी जी, मेरे किसान मोर्चा के अध्यक्ष मेरे भाई निशान छोकर जी, बहुत ही आदरणीय शेखर चंद जैन जी,
अभी मेरे भाई भूषण अशिषा जी बोल रहे थे कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन सुख का बहुत सुखमय मंगलमय हो। आज साल का पहला दिन है और इस दिन पर आज शेखर जैन जी और उनकी टीम एक बहुत सामाजिक समाज का एक भलाई का काम करना कर रहे हैं। मैं इसके लिए इनका स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज इस मौके पर हमारी बहन निर्मल जी आपके बीच में हैं, गन्नौर के जो भी काम है वो आपके सारे कर रही हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि तजर्बा कम है, तजर्बा हो जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, आपके काम में कमी नहीं रहेगी, मैं ये बताना चाहता हूँ। बहन जी आपका काम दिन रात पूरी मेहनत से पूरी लगन से करेंगे और इस मौके पर बहुत ज़्यादा भाषण देने का तो समय नहीं है। इस संस्था को एमपी साहब की तरफ से 5 लाख रुपये हमने कमेटी में भिजवा दिए हैं, ये लोग ले लेंगे। इसमें 2.5 लाख रुपये बहन जी के और 2.5 लाख एमपी साहब के, ये मान के आप चलो। अरे कट्ठे ही हैं आज। अरे सुनो, बहन जी जब मंत्री बन जाएगी ना 10 दिलवा दो, टेंशन ना लो आप, जब 11 दिलवा देंगे तो मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। समय का आदरणीय देवेंद्र कौशिक जी, श्री महावीर जीव दया कम्युनिटी सेंटर के प्रधान श्री शेखर चंद जैन जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, प्रीतम दास जैन जी, श्री जगदीश, श्री सतीश जैन जी, नंद किशोर छाबड़ा जी, श्री कृष्ण कौशिक जी, श्री पवन जैन जी, श्री योगेश कौशिक जी, कृष्ण राठी जी, पंडित लक्ष्मी नारायण जी, हुकम चंद जी, प्रमोद जैन जी, अशोक छाबड़ा जी, सम्मानित मंच, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे बंधु, इस पावन कार्य में शामिल हुए सभी मेरे सम्मानित भाई, बुजुर्ग, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, सबके घर में खुशियाँ लेके आए, व्यापारियों का व्यापार बढ़े और कामगारों को काम मिले और मेरे सभी भाइयों को परमात्मा आशीर्वाद दे कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें। मेरे से पहले मेरे भाई देवेंद्र ने कहा कि लोग कहते हैं कि तजुर्बा नहीं है। देखिए, बिना बने तो तजुर्बा नहीं हो सकता था। एमएलए तो आपने पहली बार बनाया है तो मेरे को एमएलए का तजुर्बा कैसे होगा? मेरे तो बाप दादा भी कभी एमएलए नहीं रहे, तो मेरे को तजुर्बा एक काम बात का जरूर है कि मैं बड़ी ईमानदारी से अपने इन जरूरतमंद भाइयों की सेवा 20 साल से करती रही हूँ। मुझे ये शाल कंबल बांटने का तजुर्बा बेहद है, इसमें मेरे तजुर्बे में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी एक भावना थी कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि ये जो शाल कंबल हम बांटते हैं, इससे जो है हम आपकी सर्दी की तो आपका वो कर सकते हैं इंतजाम, लेकिन असली इंतजाम नहीं कर सकते कि आपकी गरीबी कहीं दूर हो। तो उसके लिए मैं दिन रात प्रयास करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बार ऐसा मौका दो ताकि मैं आपके हकों के लिए आवाज उठा सकूं। तो मेरी तो एक इच्छा है कि जिसका जो हक है उसको वो हक मिले। जहां दिन रात मैं ये देखती हूँ 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास वो लोग आते हैं जो पेंशन के असली हकदार है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जो राशन के असली हकदार है उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो असली हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। उसके लिए मैं आपके बीच में बार बार आती थी और मैं ये कहती थी कि कंबल शाल बांट के मैं आपकी गरीबी दूर नहीं कर पाऊंगी, मुझे असली हक दे दो ताकि मैं आपके हकों के लिए लड़ सकूं। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वोट देकर आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आपके हकों के लिए लड़ सकूं, आपका हक मांग सकूं। और मैं ये भी आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपने मुझ पे जो विश्वास करके मुझे अपना कीमती वोट दिया है, आपके विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगी। आप पर ये तो हो सकता है कि कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस माहौल में आपका काम करवाना, आपके हकों के लिए आगे बढ़ना,
तो वो सिस्टम जो खराब हो चुका उस सिस्टम को सुधरने में समय लगेगा, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बहुत निष्ठा से आपको आपके हक दिलाने में आपकी सेवा करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मेरा जो है प्रण है। और आज मैं आपसे एक और भी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ कि मेरे से पहले मेरे भाई भूषण हसीजा जी ने ये कहा था कि ये जो जोड़ी बैठी हुई है ये कहीं सेवा में कमी नहीं छोड़ेगी, तो मैं तो आपसे एक आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये बहन भाइयों की जोड़ी जो है इसको आशीर्वाद देना, ये प्यार यूं ही बढ़ता रहे और हम यूं ही मिलकर आपकी सेवा करते रहें। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आज आपको जो है जो सहयोग राशि हमने दी है इसको जो है इसमें दिन रात बढ़ोतरी होगी, आगे जब भी जो मौका आएगा हम जी जान से और मदद करेंगे, आपके सहयोग में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और मैं दोबारा एक बार फिर आपसे आशीर्वाद लेती हूँ कि आप अपनी बहन को आशीर्वाद दें ताकि जो है बिना तजुर्बे के भी आपकी सेवा करने में मैं सफल हो सकूँ। धन्यवाद जय। धन्यवाद। हाँ जी जैन साहब, इधर जैन साहब। देवेंद्र जी और बहन जी से निवेदन है कुछ माताओं बहनों पर अपने हाथ से कंबल वितरित कर दें, लगभग सभी लाइनें बना ले और सबके लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था है, सभी खाना खाकर जाना।